नमस्कार दोस्तों, और मेरे साथ है यहाँ पे प्रियांशु फिर से एक बार फिर ये रहा। और आज हम फिर से वही फल की खोज में जंगल की तरफ, और इन घनघोर जंगलों में आप देख रहे हैं हम भटकते भटकते उस फल की खोज में फिर निकल गए। एक बार फिर फल का नाम बता देते हैं आपको, फल का नाम है भंबोरा, और ये हमारी गढ़वाली भाषा में इसको भंबोरा बोला जाता है। गढ़वाली लीची के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको कंदमूल फल भी बोला जाता है, शायद कई लोगों ने इसको खाया भी नहीं होगा अभी तक। आपको दिखा दें यहाँ का रास्ता, ये देखिए ये हमारे इधर के रास्ते हैं, गांव के रास्ते। जबरदस्त कांटों भरे रास्तों पे हम अभी चल रहे हैं, और यहाँ पे मेरी तो सांस फूल रही है। और इन रास्तों से होकर हमें गुजरना है आज, और जो मेरा मार्गदर्शक है यहाँ पे मुझे रास्ता बताने वाला, वो मेरे से पीछे चल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा डर लगता हमें, ये गुफा बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे थोड़ा डर लगता है मुझे। और आराम से धीरे धीरे चलना, दबे पांव, बाघ और सिर छुपा करते हैं दिन में। और कल रात सुनने में आया कि गांव के अंदर बाघ आया था, तो चलो हम चलते हैं छौदा की धार कादन ऊपर, और हम जा रहे हैं अभी एक धार की तरफ। यहां मैं चिरोड़ी गया, और देखो कैसे स्ट्रगल कर पहाड़ों में। इतनी आसान नहीं होती जिंदगी जितने लोगों को लगता है, देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जंगलों में जाने के लिए। ये जिंदगी है पहाड़ों की, और काफी सुकून भरी जिंदगी है, ना कोई भाग दौड़, ना कोई गाड़ियों का सायरन, न कोई हॉर्न। अपने जंगलों में घूमो, कंदमूल फल खाओ, और अपनी आसान सी जिंदगी बिताओ। लेकिन स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पैदल चलना ज़्यादा पड़ता है, हर जगह रोड नहीं मिलेगी, पैदल रास्ते मिलेंगे, पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है। कहीं से सामान लिया तो सामान लेने के लिए ढोना पड़ता है खुद, क्योंकि उसके लिए भी कोई हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं रहते। गाड़ियाँ जो रोड हैं वो काफ़ी दूर होती गांव से। अभी आपको रोड भी दिखाता हूँ गांव से कितनी दूर होती है। कुछ कुछ गांव हैं जो अटैच होते हैं रोड से, लेकिन कुछ गांव हैं जो नहीं होते हैं, अभी तक अभी हुए भी नहीं हैं। जैसे हमारा ही गांव है, हमारे ऊपर भी कई गांव हैं जो अभी तक रोड से अटैच नहीं है, और वो गाँव वाले अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये वाला पेड़ होता है भंगोरे का, ये है, लेकिन इस पर अभी तक एक दाना नहीं दिखा मुझे। और ये उस धार का नाम है जो मैं आपको बता रहा था, इस धार में हम जा रहे हैं, छोटी सी है। और इस यहाँ से मैं आपको एक गांव दिखाता हूँ नीचे, ये गांव का नाम है आगरा। ऊपर है वो सामने दिखाई दे रहा किमोटी, कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है इसका। और रोड देखिए नीचे, ये है रोड। इतने नीचे से हम ऊपर आते हैं अपने गांव में, तो साधन की कमी की वजह से व्यू नज़र आ रहा होगा आपको, इतना शानदार व्यू। ये है उत्तराखंड की वादियां, जो चमोली गढ़वाल के अंदर एक छोटा सा गांव है हमारा, स्वान मल्ला।
अभी हम उनके जंगलों में हैं। अब हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक हमें मिले नहीं हैं जिसकी हम अभी तक तलाश कर रहे हैं। देखते हैं कहीं एक आधा मिल जाए, हम भी खा लें, पर अभी तक मिला नहीं। और जो ये प्रियांशु मेरे साथ में चल रहे हैं, लगता है प्रियांशु ने किसी चीज़ की भनक सुनी है। कचरे, वो कह रहा है कि किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है और थोड़ा थोड़ा डर भी लग ही रहा है, हल्का हल्का। और मुझे लगता है कि यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मैं यहीं तक जाएंगे हम। ये हम आपको दिखाने के लिए लाए थे अपने जंगल में, और मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। और ये है, ये पत्थर है, ये सिर्फ गढ़वाली समझ सकते हैं इस पत्थर को, गढ़वाली कुमाऊनी जो गांव में रहते हैं वो इस पत्थर की कितनी अहमियत है वो समझ सकते हैं। क्योंकि जंगल में घास के लिए औरतें आती हैं तो वो अपनी दरांती की धार को इस पर लगा के तेज़ करते हैं। इसकी अहमियत सिर्फ गांव वाले समझ सकते हैं जो गांव में रहते होंगे। बाकी जो देहरादून दिल्ली हमेशा बचपन से वहाँ पर रहा होगा, या जिसने नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा, तो उसको अभी तक इस चीज़ की अहमियत का पता नहीं होगा। अगर आपको भी ये सब चीज़ें देखनी हैं, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, तो आप आइए हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारे चमोली गढ़वाल के हमारे गांव के अंदर आइए, विजिट करिए यहाँ के लोग और यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ का वातावरण सब सब बहुत ही शानदार। यहाँ के लोग बड़े सहनशील ईमानदार लोग हैं यहाँ पे, और गढ़वाल कुमाऊँ के लोग जो पहाड़ी लोग होते हैं ये ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और आपको एक गांव और दिखा दूँ मैं, देखिए ये सामने गांव है बूंगा, एक गांव ऊपर बसा हुआ है बूंगा, ये भी काफ़ी बढ़िया गांव है, काफ़ी शानदार, यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं। और एक गांव आपको अगर इसमें दिखाई दे रहा हो हल्का हल्का, वो टावर दिख रहा है जहाँ पे ये बीच में, तो एक गांव यहाँ भी है, इस गांव का नाम है पटोड़ी। और अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि मैं और प्रियांशु हताश निराश खाली हाथ लौट रहे हैं, क्योंकि जंगल में बंदरों ने सब ख़त्म कर दिया है। बंदर जो हैं वो काफ़ी दिनों से जंगल के अंदर लगे पड़े हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पे, तो हमको यहाँ से पैदल वापस खाली हाथ जहाँ लौटना पड़ेगा। अभी हम दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज अगर हम इधर उधर निकले तो गांव वाले कह रहे थे कि बाघ भी आया था गांव में रात को, जंगल में मत जाना। लेकिन हम फिर भी आ ही गए थे देखने के लिए, एक बार ज़्यादा दूर नहीं गए, गांव के पास में ही जंगल में जा रहे हैं घर की तरफ लौट के। मेरे रास्तों से होके हम निकल रहे हैं घर को, यही लाइफ है, यही जिंदगी है हमारी, और ये सबसे सुकून भरी जिंदगी है हमारी। और ये है हमारे प्रियांशु जी, मिलिए इनसे, हाय बोल दे भाई, ये शर्माता बहुत है कैमरे के सामने। और आखिरकार हम सकुशल गांव की तरफ लौट पड़े, हमें कोई जंगली जानवर मिला नहीं। वैसे डर बड़ा जबरदस्त लग रहा था जंगल में, काफी साल बाद जंगलों के अंदर आ रहे हैं।
परेशान से हो गई हालत खराब। चलते हैं घर पे, थोड़ा करेंगे रेस्ट। प्रकृति की गोद में बसा हुआ हमारा ये सुंदर सा गांव। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वातावरण काफी शानदार। सामने हिमालय हमारे घर से बिल्कुल सामने दिखता है। तो चलिए, पहुंच गया मैं घर में और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब हम जाएंगे दोबारा जंगल। तब तक के लिए नमस्ते।